कभी कभी लगता है कि क्या ये समाज महिलाओं के जीने के लिए बचा भी है या नहीं। इस समाज में फैली गंदगी इतनी सड़ चुकी है कि सांस लेना भी दूभर हो गया है। टीवी सीरियल भाभी जी घर पर हैं से मशहूर हुई सौम्या टंडन ने अपने साथ हुई दिल दहला देने वाली घटना का खुलासा किया है। सौम्या की आप बीती सुनाने का मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है कि समाज में कैसे दरिंदे घूम रहे हैं। सौम्या ने अपनी जिंदगी का वो दर्दनाक किस्सा शेयर किया जिससे आए दिन लड़कियों का सामना होता है। सौम्या ने बताया कि सर्दियों के दिनों में वो घर लौट रही थी, तभी एक लड़के ने उनके पास आकर अपनी बाइक रोकी। जब तक सौम्या को समझ पाती तब तक लड़के ने उनकी मांग में सिंदूर भर दिया। सौम्या इस घटना से अंदर तक दहल गई, उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों किया गया। इसके बाद सौम्या ने एक डरावनी घटना का जिक्र करते हुए बताया कि एक बार वो स्कूल से घर वापस आ रही थी, वो साइकिल से थी और इस दौरान एक लड़के ने परेशान करने के लिए उन्हें ओवरटेक कर दिया जिससे सौम्या सड़क पर गिर गई। इस हादसे में सौम्या के सिर पर गहरी चोट आई थी और उनकी हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। सौम्या बताती है कि वो सड़क पर दर्द से चिल्ला रही थी और फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन उस वक्त कोई भी उनकी मदद को आगे नहीं आया। सौम्या उज्जैन में जितने भी वक्त रही उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ी। वहां कभी लड़कों ने सड़क पर उनका पीछा किया तो कभी दीवारों पर उनके बारे में गंदी गंदी बातें लिखी गई। सुनने में ये बातें भली छोटी लगती हों, लेकिन इसका दर्द शायद वो लड़कियां समझ सकती हैं जिन्होंने ये सब झेला हो। लड़की होना कितना मुश्किल है ये शायद पुरुष कभी नहीं समझ पाएंगे। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।